हाँ, तो 7 डे प्लानिंग की अपन शुरुआत करते हैं। जो आपके इस मंडे से टेस्ट होंगे पूरे 6 दिन के लिए, जो टेस्ट दे रहा है वो तो बहुत अच्छा स्कोर कर जाएगा। देखो, एग्ज़ाम की आप बिल्कुल बात मत करो, एग्ज़ाम हो या ना हो ये क्वेश्चन अब नहीं करना चाहिए। मैं कितनी दफ़े बोल चुका आपको कि ये बात आपको नहीं पूछनी चाहिए, आप पढ़ने वाला स्टूडेंट ये बात नहीं पूछता, ठीक है। आप अभी 10th में हो, एग्ज़ाम की तैयारी करो, बस बात खत्म, ठीक है। और 11th का लोड मत लो, 11th पढ़ने के लिए बहुत टाइम है, कोई वो बड़ी बात नहीं है। मेन मेन चीज़ क्या, 10th को अच्छे से करो, ये बहुत बड़ा फ्यूचर है, ठीक है। अच्छी मेहनत करो, खूब सारे स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ चुके हैं, कर ही नहीं रहे पढ़ाई, जैसे उनको सब कुछ फ्री हो। मतलब ये सोचो आप, जो बच्चा ये पूछता है कि पढ़ाई करने का मन नहीं करता, क्या करे, अपने आप में एक जगह बैठ के आप ये सोचो कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगा या नहीं करूँगी तो क्या करूँगा, ये सोचो, अपने आप बैठ के सोचो। कोई ये तो है नहीं कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, अगर बहुत बड़े बिजनेसमैन के पेरेंट्स आपके हैं तो फिर आप पढ़ाई मत करो, चाहे वो फिर आपकी इच्छा है। हालांकि उसमें भी पढ़ाई चाहिए, क्योंकि माइंड होगा तभी आगे बढ़ पाओगे, लेकिन एक बात है, वहाँ पर भी आप थोड़ी बहुत कम कर दोगे तो चल जाए, क्योंकि आपको ये पता है कि बस पापा की सीट पर बैठना है, तब बात अलग है। लेकिन मेरी बात को मानो, सभी मीडियम फैमिली से हो, ठीक है, इस चीज़ को, बात को फॉलो करो कि हमें अभी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ये हमारा फ्यूचर है। पढ़ाई चाहे फर्स्ट क्लास की बुक ही पढ़ लो आप, सेकंड क्लास की बुक ही पढ़ लो, हमेशा पढ़ाई काम आएगी। कोई भी क्लास की बुक, कोई भी क्लास की पढ़ाई कम कम नहीं होती है, हमेशा लाइफ में पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो मिले पढ़ो, हमेशा काम आएगा। और मैं तो आपको सिर्फ बताता ही वही हूँ जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आए, जो फ्यूचर में काम आए, और मैं बात ही नहीं करता। अभी मैं चाहता तो मैं भी व्यू कमा लेता कि एग्जाम से संबंधित ये न्यूज़ वो न्यूज़ वो न्यूज़, मतलब क्या है, होंगे जब हो जाएंगे क्या फ़र्क पड़ता है, आगे किसे गए तो क्या हुआ। अरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो 10 10 साल से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, 5 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो भी तो बैठे ही हैं, वो क्या छोड़ चुके हैं कि पढ़ाई, जो छोड़ चुका वो नहीं नहीं होगा सिलेक्शन। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो। कुछ लोग कहते हैं प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है कि भाई कोरोना आ रखा है ये सब, इसके लिए मैंने लिख दी एक बात कि समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती, एक्चुअल में प्रॉब्लम्स इतनी ताकतवर नहीं होती है जितना हम उनको मान लेते हैं। क्यों हो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, कुछ है ही नहीं। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। क्या कभी आपने ऐसा सुना है, कभी ऐसा सुना है कि अंधेरे ने सुबह ही नहीं होने दी हो, कभी सुना है ऐसा कि आज अंधेरा हो गया सुबह ही नहीं होगी, इम्पॉसिबल। इसलिए ये उनके लिए जो हमेशा ये क्वेश्चन करते हैं ना कि ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, आपने मान लिया उस प्रॉब्लम को, इसलिए वो प्रॉब्लम है। वरना समस्याएं तो आपको पता है कुछ सिखाने के लिए आती है, समस्याएं जब तक नहीं आती इंसान संभलता नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक्टिव रहो, मेरा तो यही कहना है, बाकी आपकी इच्छा है, मानना तो आपके साहब। देखो एग्ज़ाम की मैं बात करूँ, आपके कौन कौन से वीकली साथ जो टेस्ट होंगे, 17 से लेके 18 को, 19 को, 20 को, 21 को, आज तो खैर 16 होगी तो कल से स्टार्ट होंगे मंडे को। बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी करनी है। SST का अपन ले रहे हैं चैप्टर 18, ठीक है। फिर 18 तारीख को ले रहे हैं अपन संस्कृत, जो बहुत ही शानदार आज 2 वीडियो दिए थे मैंने आपको। जिस बच्चे ने अभी तक ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा उसका, आज जाके देख लेना। स्मार्ट स्टडी करो, होने को तो बहुत नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग, बहुत सारे शब्द मैं नहीं कराए, सिर्फ पुल्लिंग कराएंगे वही जो कोर्स में है, बस बेफिजूल की बात नहीं करनी। 19 में वापस अपन को SST पढ़नी है, चैप्टर है अपना 19, ठीक है। 20 को आपके हिंदी में लोकोक्ति और मुहावरों का टेस्ट है, ठीक है। लोकोक्ति एंड मुहावरे का टेस्ट हुआ नहीं है अभी तक, बहुत ही शानदार तैयारी। बताओ ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं लोकोक्ति मुहावरे, तो बहुत काम की चीज़ है, इसका भी आपको देना है टेस्ट। और 21 तारीख को आपका टेस्ट रहेगा वापस SST का, ठीक है। वो चैप्टर आपका 20, SST खत्म हो जाएगी इस वीक, बस फिनिश। ये बहुत ज़रूरी थी SST को फिनिश करना, एक बार सारे सब्जेक्ट फिनिश हो जाएंगे, फिर 5 5 का टेस्ट होगा, फिर 10 10 का, फिर एक साथ, थोड़ा एक बड़े सिस्टमेटिक ढंग से टेस्ट लेने वाला हूँ, ठीक है ना। और 22 तारीख को लास्ट होगा इंग्लिश का टेस्ट, ठीक है। इस बार साइंस नहीं ली इस वीक में, इंग्लिश के टेस्ट होगा, वो ध्यान से सुनना। और वो होंगे क्वेश्चन आंसर, जो पहली बुक है आपकी उस बुक में चैप्टर 3 4 6 और 8 और 9, इन चैप्टर्स हैं। और जो बुक है आपकी गोल्डन रेज, ठीक है ना, तो गोल्डन रेज बुक की बात कर रहा हूँ मैं, रिजोल्यूशन नेक्स्ट वीक ले लेंगे अपन, तो गोल्डन रेज के ये चैप्टर ले लेना 3 4 6 8 9, ठीक है। इन चैप्टर में जो मैंने मोस्ट क्वेश्चन लगवाए थे इंपॉर्टेंट, वो पढ़ना, बाकी ज़्यादा नहीं पढ़ना। हाँ आपको लर्न होते हो और टाइम हो तो कर लेना, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपको फॉलो करना है, बहुत ही शानदार वीकली प्लान है, हर चीज़ को टच में लिया है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बातें भी इसके अंदर, मतलब हर चीज़ आपके काम की है। टेस्ट सारे एक बार चैप्टर वाइज हो जाएंगे ना, फिर अपन शेड्यूल चेंज कर देंगे, ठीक है। बहुत अच्छी तैयारी करनी है, ठीक है ना। ओके।